लोकसभा चुनाव में हार को लेकर 23 जून यानी कि कल लखनऊ में बीएसपी की बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बैठक करेंगे, चुनाव की समीक्षा करेंगे। इसमें गिरते वोट प्रतिशत और निराशाजनक प्रदर्शन पर मंथन होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले की तुलना में बीएसपी को काफी कम वोट मिले, जिसके बाद बैठकों का दौर भी चल रहा है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन न कर पाने वाली बहुजन समाज पार्टी कल राजधानी लखनऊ में एक बैठक करने वाली है। इस बैठक में इस बात को जानने की कोशिश की जाएगी आखिर उत्तर प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों में उनकी संख्या शून्य क्यों रह गई। साफ तौर से मैं पार्टी दफ्तर में मौजूद हूं, यहां पर तैयारियां बदस्तूर जारी हैं। यहां पर जो लोग कल आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए ये नीले रंग के झंडे लगाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी का निशान भी नीला है और उसी निशान के तहत ही इस दफ्तर को सजाया गया है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट फीसद भी पहले चुनाव की तुलना में कम हुआ है। तो ऐसे में इस बात को जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में यह हालात कैसे बने। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वो भाग लेने वाली हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। तो देखने वाली बात होगी कि कल इस बैठक में आखिर क्या बड़े फैसले होंगे। क्या मायावती अपने भाई आनंद कुमार को जिम्मेदारी देंगी या फिर इस चुनाव के नतीजों का ठीकरा किस पर फूटेगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। और देखिए, डराने वाला आंकड़ा सामने आया है गर्मी को लेकर। यूपी में 28 मई से 21 जून तक गर्मी जो पड़ी, 51 लोगों की उसमें मौत हो गई, उसका आंकड़ा अब सामने आया है। सबसे ज्यादा देखिए 15 लोगों की मौत सोनभद्र में हुई है, मिर्जापुर में 14, महोबा में 13 लोगों की जान चली गई सिर्फ गर्मी की वजह से। इसके अलावा चित्रकूट में 3, संत कबीर नगर में 2 लोगों की मौत, मैनपुरी चंदौली आजमगढ़ औरैया में 1-1 लोगों की जान चली गई है। आप ये समझ सकते हैं जैसे कोविड में हालात बने थे उसी प्रकार से लोगों का बुरा हाल यहाँ हो गया गर्मी की वजह से। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है गर्मी से। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही भीषण गर्मी और चलने वाली हीट वेव से अब तक 51 लोगों की मौत हो गई है। बीते 28 मई से लेकर 21 जून तक 51 लोगों की मौत हुई है, जिनमें सर्वाधिक मौत सोनभद्र में 15 लोगों की, मिर्जापुर में 14, महोबा में 13 और चित्रकूट में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि संत कबीर नगर में 2 लोगों की, मैनपुरी औरैया में 1-1 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अगले 72 घंटे के अंदर मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाला है, जिसके बाद पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश होगी, जिससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव से एक बड़ी निजात मिलते हुए नजर आएगी। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और वाराणसी के प्रसिद्ध शहनाई वादक ने बारिश के लिए अनोखे तरीके से भगवान इंद्र से गुहार लगाई है। गंगा में खड़े होकर शहनाई वादक ने धुन छेड़कर अपनी बारिश की कामना की है। काशी विश्वनाथ के प्रमुख शहनाई वादक महेंद्र प्रसन्ना अपने कलाकार दल के साथ वाराणसी के अस्सी घाट पर शहनाई वादन करते नजर आए और मां गंगा का पूजा पाठ करने के बाद सभी कलाकारों ने गंगा में उतरकर शहनाई वादन किया। पारंपरिक धुन को छेड़ शहनाई वादकों ने भगवान इंद्र को खुश करने की कोशिश की है। इस भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए बारिश की गुहार लगाई गई है उनकी तरफ से। और इससे पहले भी हमने आपको बताया कैसे उत्तर प्रदेश में 21 से 28 तारीख के बीच में 51 लोगों की मौत हो गई थी। देश में नहीं, पूरे देश में गर्मी बेहाल है लोग। इसलिए मैं भगवान बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके चलता हूँ मंदिर से, माँ गंगा का चरण छू के मैं प्रणाम करता हूँ, उनको माला फूल अगरबत्ती जला करके भगवान इंद्र को मैं समर्पित करता हूँ। और भगवान इंद्र से विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी मैंने प्रार्थना किया कि हे नाथ, बारिश कम से कम हो जाए, जो काशी की जनता नहीं पूरे देश की जनता को राहत मिले, किसान भाइयों को राहत मिले। इसीलिए मैं भगवान इंद्र से प्रार्थना करता हूँ, राग मेघ की प्रस्तुति करता हूँ, लास्ट में मैं बधाई देता हूँ।
और यूपी में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। जिले में कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस लग्जरी वाहनों को चेक कर रही हैं और कार्रवाई कर रही हैं। जिले में अब तक 17 से ज्यादा हूटर उतारे गए, कई गाड़ियों का चालान किया गया है। जनपदीय पुलिस द्वारा वीआईपी कल्चर खत्म करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अब तक 17 वाहनों से हूटर हटाकर उनका चालान किया गया। अभियान जारी है, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और वाराणसी से खबर, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का वाराणसी में निधन हो गया। आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पूजा करवाई थी। आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का करीब 90 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है उनके निधन पर। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, काशी के प्रकांड विद का गोलोक आगमन अध्यात्म और साहित्य जगत की अपूर्णीय क्षति है। संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। प्रभु श्री राम की प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं उनके शिष्यों और अनुयायियों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। और नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है और इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ था। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं में पारदर्शिता बनाए रखना है। साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। और ईओयू ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। नीट पेपर धांधली मामले की अब तक की जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इस रिपोर्ट को ईओयू के अधिकारी आज शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे भी। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थियों समेत गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। नीट पेपर लीक के मामले में बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट यानी कि इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट आज शिक्षा मंत्रालय में नीट को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। शिक्षा मंत्रालय में आज ईओयू यूनिट बिहार सरकार की जो पुलिस है वो शिक्षा मंत्रालय में अपनी एक डिटेल रिपोर्ट दाखिल करेगी। इस रिपोर्ट में उन तमाम आरोपियों के बयान शामिल हैं जिन्होंने नीट के पेपर को लीक किया और तमाम परीक्षार्थियों की मदद की। जो रिपोर्ट फिलहाल बिहार पुलिस के द्वारा तैयार की गई है उस रिपोर्ट में न केवल उन आरोपियों के बयान शामिल हैं बल्कि वो अंक पत्र और साथ ही साथ वो प्रश्न पत्र भी शामिल हैं जिनको समय रहते जलाया गया। लेकिन बिहार पुलिस की ईओ यूनिट ने जो छापेमारी की उनको उस समय पर्याप्त सबूत मिले। बिहार पुलिस के द्वारा जो डिटेल रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय में आज दाखिल की जाने वाली है उसमें बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी शिक्षा मंत्रालय को ये बताएंगे कि किस तरह नीट के पेपर को लीक किया गया और तमाम परीक्षार्थियों को मदद पहुंचाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि नीट परीक्षा के लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा की गई ये कार्रवाई नीट पेपर लीक के मामले में एक बड़ा सबूत साबित हो सकती है और जिस तरह देश भर के तमाम छात्र नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि बिहार पुलिस के द्वारा दाखिल की जाने वाली इस रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय और खुद शिक्षा मंत्री क्या कुछ अहम बड़े फैसले लेते हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भर्ती प्रक्रिया में गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। नेट से लेकर जितने आप यूजीसी सब में पूरी तरीके से अगर
साफ पारदर्शी जांच होगी तो सब में गुजरात के लोग और उनका इन्वॉल्वमेंट आएगा और वो अलग अलग स्टेट्स से इसको मैनेज भी कर रहे हैं। हर जगह से गुजरात के लोग इसमें आए। मैंने बनारस से एक बात उठाई थी, सारे काम आप देख सकते हैं, पूरा काम बनारस में वहां मिला हुआ है। सारे स्मार्ट सिटीज के सारे काम गुजरात के लोग काम कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह इन्हीं के पूरे इनके भक्त लोग। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सीधे सीधे पूरा गुजराती लॉबी मिलकर इस देश के भविष्य को खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है। तो देखिए, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें शामिल लोगों के नामों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। पेपर लीक मामले के आरोपी सिंटू के कबूलनामे के मुताबिक उसे रवि अत्री गैंग के प्रश्न पत्र और उत्तर मिले थे। बिहार पुलिस के मुताबिक पेपर लीक कांड में प्रोफेसर से लेकर डॉक्टर और इंजीनियर तक शामिल थे। नीट पेपर लीक कांड में एक से बढ़कर एक नाम सामने आ रहे हैं। इनमें प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर के नाम भी सामने आए हैं। यानी लाखों छात्रों के भविष्यों से खिलवाड़ करने वाले किरदार समाज के कई सफेदपोश निकले। बिहार आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो नीट मामले में ईओयू के रडार पर एक संदिग्ध प्रोफेसर का नाम सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक प्रोफेसर के नंबर से नीट के पेपर को लीक किया गया था। फिर इस क्वेश्चन पेपर को रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने मिलकर इसे हल किया। फिर इस हल किए हुए प्रश्न पत्र के साथ आंसर शीट को चिंटू के मोबाइल पर भेजा गया, जिसके बाद क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट करवाकर लर्न प्ले स्कूल में पहले से मौजूद परीक्षार्थियों को रटने के लिए बांटा गया। यानी नीट के गुनहगारों ने बिहार से लेकर झारखंड तक पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। दरअसल बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में एक जला हुआ प्रश्न पत्र मिला था। उसका बुकलेट नंबर 61,36,488 था। खबर है कि यह बुकलेट नंबर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर का है। इसी जांच के दौरान प्रोफेसर और रांची के रिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों का नाम सामने आया। इस बात की तस्दीक आरोपी सिंटू ने भी की। उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे, जिसके बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले सिंटू और इसके साथी चिंटू की भूमिका पर पर्दाफाश किया था, क्योंकि सिंटू और चिंटू ने ही उत्तर के साथ प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के बीच बांटे थे। सिंटू ने अपने कबूलनामे में रवि अत्री गैंग के नाम का खुलासा किया है। बता दें कि रवि अत्री वही मास्टरमाइंड है जो इस वक्त मेरठ की जेल में बंद है और वो ग्रेटर नोएडा के जेवर के इसी नीमका गांव का रहने वाला है, जहां पर हम मौजूद हैं। हमने अभी रवि अत्री के परिवार से बात की, हालांकि उन्होंने सारे आरोपों से खंडन कर दिया, लेकिन सिंटू ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया है कि जो उससे सॉल पेपर मिला था वो रवि अत्री गैंग से ही मिला था। इसके अलावा इस पूरे मामले में संजीव मुखिया और अतुल बस नाम के दो ऐसे किरदार हैं जो बिहार पुलिस के रडार पे आए और जिनके सीधे ताल्लुक जो है वो रवि अत्री गैंग से बताए जा रहे थे। रवि अत्री इसके पहले भी यूपी सिपाही भर्ती घोटाला हो या इसके अलावा कुछ और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके पेपर को लीक करने में और सॉल्वर के मामले में उससे अलग अलग राज्यों की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पेपर लीक के किरदारों की हर एक कड़ी इस कांड के सरगना रवि अत्री तक पहुंचती है। और जब यूपी के गौतम बुद्ध नगर में रवि अत्री के परिवार से न्यूज 18 इंडिया की टीम ने जानकारी लेनी चाहिए तो उसके परिवार ने दावा किया कि रवि अत्री ने फोन पर बताया कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं है। आप कब मिले थे अपने भाई से जेल में आखिरी बार? हो गए 10 दिन से हो गए। 10 दिन तो क्या बोला था रवि ने? मेरी तो अभी बात हुई थी, फोन जेल से फोन आया था। भाई बता रहा था, एक बार बताओ हम जब जेल में हैं तो हम क्यों करेंगे? अरे हम तो ये सोचेंगे कि हम जमानत करवाएं, अपने घर जाएं, अपने घर काम करें, माँ बाप से मिलें, हम क्यों गलत काम करेंगे? रवि को कभी अफसोस होता है उसने जो भी पुराना अपराध किया उस पे जेल में? जिस अफसोस क्यों नहीं होता सर, एक बार बता कौन जेल काटना चाहेगा? तो कुछ बताता कि कैसे वो संपर्क में आया था जब कोटा गया तो? सर संपर्क में किसी के नहीं था, कोटा किसी के संपर्क में। ये गलत आया उसको, ये पेपर में तो उसको कोई नाम निशान होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बता रहे हैं जो पटना पुलिस है, जो बिहार पुलिस है, वो ये बता रही है कि जो एक आरोपी पकड़ा गया है उसने रवि अत्री गैंग का नाम लिया है कि उस गैंग के जरिए जो है वो पेपर मिला।
गलत है ये मामला। जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँच गो, ये तो खामो खां की बात है, सब ये मतलब फंसाया जा रहा है तो जबरदस्ती आपका। और पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि शिक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है परीक्षाओं के पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यानी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहे, कोई लूपहोल ना हो, किसी प्रकार की कोई चीटिंग या लीक होने की, पेपर लीक होने की किसी भी प्रकार की कोई भी तरीका ना हो, इसको लेकर उच्च स्तरीय गठन एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेंगी। समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपनी है। खबरें जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।